और ये आगे हजारों और लाखों लोगों तक जाने वाले हैं, तो आप जो है वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं, लोग इसको रेफरल पॉइंट से देखेंगे आगे। तो सबसे पहले तो मैं बिपिन भाई हडवाणी का नाम लूंगा स्टेज पे आने के लिए। प्लीज बिपिन भाई आइए। बिपिन भाई राजकोट से हैं, इनका वन ऑफ द नंबर वन ब्रांड है गुजरात का, 300 टन पर डे का इनका प्रोडक्शन है नमकीन का। और बिपिन भाई ने लास्ट 20-22 साल में ही अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है। मुझे बता रहे थे लास्ट टाइम कि जब इन्होंने शुरू किया था तो 1999 में ये थैले में नमकीन बेचा करते थे, और आज आपके सामने बिपिन भाई खड़े हैं। प्लीज बैठिए। मैं शिव किशन जी को बुलाऊंगा। शिव किशन जी प्लीज आइए स्टेज पे और थोड़ा हम लोगों को ज्ञान दीजिए किस तरीके से आपने सब गाइड किया है। मैंने आपके ऊपर एक किताब पढ़ी है जिसमें ये लिखा था कि जब आप नागपुर गए और आपने जाके अपना अपनी शॉप खोली तो आपको वहाँ लोकल लोगों से बड़ी बड़ी दिक्कत आई, वो लोग आपकी दुकान खोलने नहीं दे रहे थे। तो एक दिन आप बीच में खड़े होकर वहाँ के लोकल बदमाशों से आप लड़े और बकायदा हाथापाई करके आपने उस चीज़ को जीता, और आज इतना बड़ा एम्पायर जो 5,000 करोड़ से ऊपर है वो आज आपकी देन है जो आज खड़ा हुआ है। मैं इन्वाइट करूंगा वन ऑफ द मोस्ट राइजिंग ब्रांड्स फ्रॉम मुंबई, छेड़ा जी को, कि छेड़ा जी भी आए ऊपर और बताएं कि इन्होंने इतने कम समय में 100 करोड़ का अपना एक ब्रांड खड़ा किया है छेड़ा चिप्स के नाम से, जो आज की तारीख में टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा ब्रांड है। और छेड़ा जी बताएं कि ये किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सबके जो लीडर हैं बहुत दिग्गज हैं, बहुत पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन आज सुबह उन्होंने बात कही कि हम अपने हाथ से हमने मिठाई बनाई है और आज वहाँ तक हम यहाँ तक आए हैं, वहाँ से यहाँ तक आए हैं। श्याम सुंदर जी को मैं ऊपर बुलाऊंगा। श्याम सुंदर जी प्लीज़ आइए और हम लोग को गाइड कीजिए कि आपने कैसे इस एम्पायर को खड़ा किया है। हमारे एक स्पीकर अभी मेरे ख्याल से बीच में आएंगे, अमित कुमार जी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड येलो डायमंड का नाम आपने सबने सुना होगा, और वो मेरे ख्याल से किसी ज़रूरी काम से गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो अगर वो बीच में आ गए तो मैं उनको बुला लूँगा, नहीं तो फिर मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। श्रीनिवास राजा जी बैठे हैं, साउथ इंडिया का नंबर वन ब्रांड है, और अडियार आनंद भवन, अगर आप चेन्नई गए हैं तो अडियार आनंद भवन ने सबने खाना खाया है, ये मेरा वादा है। चेन्नई से लेकर दुबई तक जो है इनका नाम बिकता है, और मिठाई इनका मैसूर पाक और इनकी क्या क्या मिठाइयाँ हैं वो मैं हमेशा लेके जाता हूँ जब भी चेन्नई जाता हूँ, और बहुत अच्छा इनका प्रोडक्शन है, ऑटोमेशन है। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। अभी तक तो जो हमने प्रेजेंटेशन देखे वो सब टेक्निकल थे, उसमें आप लोगों को सवाल करने का मौका ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को आज़ादी देता हूँ कि आप बीच में अपना हाथ उठा सकते हैं और माइक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, मेरी टीम आएगी और आपको माइक सपोर्ट करेगी, और आप लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शिव किशन अग्रवाल जी से क्वेश्चन करूंगा कि सर आप थोड़ा बताइए कि मिठाई, एक मिठाई शॉप से इतना बड़ा एम्पायर आपने कैसे खड़ा किया, और किस तरीके से आपने अपने भाइयों को सपोर्ट करके यहाँ तक आप लेके आए। शिव रतन जी आप रह गए, मैं आपको देख नहीं पाया, प्लीज आप भी आइए ऊपर। अरे आइए वीरेन जी, लेके आइए जो आपका आपकी जो मेहनत है वो भी वो भी सराहनीय है, प्लीज आइए। आज बहुत खुशी की बात है कि आज अपने इतने सब बड़े बड़े मिठाई और नमकीन के बड़े बड़े अनुभवी सब सामने विराजमान है। आज मेरे को ये मौका मिला है कि आप बताइए आप लोगों के सामने मैं क्या दीपक जलाऊं, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। वैसे मैं बीकानेर में जन्म लिया है, और बीकानेर में मेरे दादाजी का नाम हल्दीराम है। हल्दीराम जी ने भुजिया में क्रांति है,
जो हमारे दादाजी ने जो भुजिया बनाते थे उनका स्वाद बहुत बेहतरीन होता था. इतना स्वाद होता था कि मतलब लोग 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम खा लेते थे फिर भी दिल नहीं भरता था. इतने स्वादिष्ट भुजिया बनाते थे वो. भुजिया मतलब हमारी बहुत फेमस होती गई. धीरे धीरे फेमस इतनी होती गई कि हर घर में हर जगह मतलब जितने भी मारवाड़ी होते थे हल्दीराम जी के नाम से भुजिया ले जाते थे. और हमारा सिर्फ बीकानेर में भुजिया का ही काम था. मिठाई विठाई कुछ भी नहीं समझते थे हम. फिर 1954 में मतलब 1954 कलकत्ता में दुकान किया था. कलकत्ता में हल्दीराम जी ने एक क्रांति लाई. वहाँ पर जितने भी मारवाड़ी थे और जितने भी आसपास आसाम वाले वगैरह सब भुजिया में फैन थे उनको बहुत सुविधा हो गई. और वहाँ कलकत्ता में भी हमारा नाम बहुत चमका है. और कलकत्ता में हमने बहुत मेहनत करके और नमकीनें भी काफ़ी बनाया. जो बीकानेर में नहीं बनाते थे वो कलकत्ता में बनाना चालू किया था. कलकत्ता में बनाना चालू किया. कलकत्ता में बहुत नाम होता जा रहा था. और इतना नाम हो रहा है कि अब दूर दूर तक मतलब पार्सल द्वारा भी भेजते थे. उसके बाद मैं 68 में अचानक मेरे को किस्मत नागपुर ले आई. नागपुर क्या है, सिर्फ दादाजी ने ऑर्डर दिया था कि मतलब हमारे जीजा जी को काम करवा दो, जाओ तुम. तो मैं नागपुर सिर्फ काम कराने के लिए आया था. पर मेरे को क्या पता कि मेरे को नागपुर में ही रहना पड़ेगा. नागपुर ऐसा छोटा शहर था कि वहाँ ऐसा समझो कुछ भी नहीं था. न मिठाई का नाम था, न नमकीन का नाम था, न उसे गुजराती आइटम थोड़े बहुत फरसान बनते थे, थोड़ी बहुत मिठाइयाँ बनती थी. अब उस शहर में मैं मेरे जीजा जी को काम कराने के लिए आया. मेरे को आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे काम कराऊंगा इनको. तो मैंने बोला भाई देखो काम तो मुश्किल है इस शहर में, फिर भी आप थोड़ा नमकीन भुजिया बेचो, हो जाएगा आपका काम चल जाएगा. इतना कहकर मैं काम करा के चला गया कलकत्ता वापस. वो काम उनसे हुआ नहीं. काम नहीं हुआ उस काम से वापस मेरे को दादाजी ने भेजा कि जाओ तुम और उनको सेट करके आओ. फिर उसके बीच में मेरे को, मैं बोला अभी वहाँ भुजिया नमकीन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मिठाइयाँ कुछ बनानी पड़ेगी. तो वहाँ से मैं काजू कतली का जो अभी शुरुआत ही हुआ था, कलकत्ता में भी नहीं था उस टाइम, बादाम कतली चल रही थी उस टाइम, मैंने काजू कतली की शुरुआत नागपुर में आके किया था. काजू कतली मैंने जो बनवाया तो उससे नागपुरवासी बहुत खुश हुए कि ऐसी मिठाई तो हमको खाने में नहीं मिली थी, आज आप खिला रहे हो. तो मैंने सोचा ये मिठाइयाँ नागपुर शहर की चमक बन जाएगी. ऐसा करते करते मैंने मिठाइयाँ में मतलब बीकानेर की मिठाइयाँ और बाकी मलाई के लड्डू वगैरह सब ये बनाना चालू किया. तो लोगों को बहुत पसंद आए. ये पसंद मतलब आगे मेरे को आगे रास्ता दिखाते गई. मैं कलकत्ता जाता था और कलकत्ते में फिर मैंने यहाँ आके बंगाली मिठाई चालू किया, रसगुल्ला वगैरह. और कलकत्ता जाकर वहाँ मिठाइयाँ की सैंपल लेके और उसकी नकल से मैंने नागपुर में मतलब पूरा मतलब टेस्ट बैठाना चालू किया. वो टेस्ट से आज पूरा नागपुर क्या पूरा महाराष्ट्र में मेरा फेमस हो गया. सोन पापड़ी जो मतलब कभी कोई जानता नहीं था कि सोन पापड़ी क्या चीज़ है. सोन पापड़ी सिर्फ कलकत्ता में बनती थी, वो थोड़ी जगह पर ही. वो सोन पापड़ी मैं कलकत्ता से लेके आया था. आज वर्ल्ड में सोन पापड़ी फेमस है. वर्ल्ड में सोन पापड़ी इतनी फेमस हो गई है कि सोन पापड़ी के नाम से जगह जगह इंडिया में तो जगह जगह बन रही है. आज सोन पापड़ी जो कुछ नहीं जानते थे, आज सोन पापड़ी एक हरे का मतलब गिफ्ट हो गया, हरे की गिफ्ट और हो गई है. ये मिठाई की क्रांति मैंने मतलब काफ़ी हद तक नागपुर में ले गया था. फिर मतलब तमन्ना थी कि दिल्ली में भी मतलब कुछ किया जाए. तो 82 में दिल्ली में मैंने मतलब 83 में ओपनिंग किया था. वो मिठाइयों का मतलब
कुछ जानकारी थी वो मिठाइयाँ मैंने चालू किया। उसमें मनोहर ने मेरे को बहुत सहयोग दिया और कुछ कारीगर भी ऐसे हमको अच्छे मिले, उसके कारण आज उत्तर भारत में मतलब पूरी मिठाइयों का फेमसता हो गई। उससे पहले बीकानो मतलब बीकाने वाले बहुत फेमस हैं, अभी भी फेमस हैं। हम दोनों मिलके आज मतलब इतनी बड़ी क्रांति कर दिया है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मिठाइयों का फेमसता हो गई है। एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ मिलती है, एक से बढ़कर एक क्वालिटी मिलती है। और क्वालिटी में नमकीन में भी हमारी एक विशेषता थी पहले से ही, जो अभी भी कायम है, भुजिया हमारे बराबर अभी कोई भी नहीं बना सकता, ये मैं दावा करता हूँ। भुजिया का टेस्ट जो हमारे ट्रेडिशनल है वो हमारे ऊपर ही है, हम चारों भाइयों के साथ में ही है वो, और ट्रेडिशनल हमारा जैसा नहीं बना सकता। अब आप लोगों के सामने मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग सब बड़े बड़े महारथी हैं, जैसे मतलब बिपिन भाई हैं, वो रहे हैं, एक क्रांति पैदा करते हैं गुजरात में, इनका बड़ा नाम है, सभी अपने अपनी जगह पे बहुत दाम करते हैं। और मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोग सब आगे, आज मशीनों में क्रांति आ गई है, मिठाइयों में इतनी मतलब है, और अपना आगे बढ़ के आज एक मतलब एक वर्ल्ड में अपना जो फेमसता है वो वर्ल्ड में और भी ज़्यादा फेमसता करेंगे, और आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू सर। मेरा जो अगला सवाल है वो श्याम सुंदर जी से है कि सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आया मिठाई और नमकीन में वो आया पैकेजिंग से, पैकेजिंग से भाई। जब हमारे अंकल सन 50 में दिल्ली आए थे बीकानेर से, बीकानेर में आज भी हम लोग दुकान है लाल जी के नाम से, हमारे दादाजी के नाम से, सन 50 में आए थे और पहले परात में हलवा लगा के बेचते थे चांदी चौक में, नई सड़क में। और मैं करीब 10 क्लास बीकानेर से पढ़ के फिर दिल्ली आया, और दिल्ली की पढ़ाई अंग्रेजी, वहाँ हिंदी या अंग्रेजी समझ में आई नहीं, और स्कूल जाना बंद कर दिया, तो हमारे को पिताजी ने कारखाने में लगा दिया। तो कारखाने में लगा दिया तो सबसे पहले उस टाइम कोई काजू की बर्फी जानता नहीं था, दिल्ली में पिस्ते की लॉज, बादाम की लॉज बनती थी, काजू की बर्फी जानता नहीं था, जैसे कलकत्ते में बादाम की बर्फी बनती थी। तो मैंने सबसे पहले काजू की बर्फी और रसगुल्ला अपने हाथ से शुरू करा। उस टाइम हमारे पास कारीगर नहीं थे, पहले खुद ही हलवाई थे हम, हमारे फादर हलवाई, हमारे लेडीज घर पे काम करती थी, पिस्ता काटती थी, लड्डू बांधती थी, तो हम खुद अपने हाथ से काम करते थे। तो 2-3 साल मैंने खूब काम किया, काजू की बर्फी इतना काम करा, 10 रुपये किलो काजू की बर्फी बेची, खूब बेची, और दिल्ली अवाक रह गई। खोए की बर्फी अलग, 10 रुपये किलो खोए की बर्फी, लोगों ने खोए की बर्फी बंद कर दी, काजू बर्फी खानी शुरू कर दी, इतनी काजू बर्फी। मैं अकेला, आपको बताए, कोयले की अंगीठी में काजू बर्फी सेकते थे उस टाइम, हाथ की, पहले तो सिल लोटे से काजू पीसते थे, हाथ की मशीन से काजू पीसते थे, हाथ से बेलते थे। आज कोई किसी को कह दे हाथ से काजू बर्फी बेलनी है या सिल लोटे से बेलनी है, तो संभव ही नहीं है, उस लेवल से काम करा और फेमस हो गई काजू बर्फी दिल्ली के अंदर और इंडिया में फेमस हो गई काजू बर्फी। मतलब एज ए इनोवेशन है, मेरे हाथ से इनोवेशन है काजू बर्फी का। उसके बाद हमने यहाँ अपने हाथ से रसगुल्ले बनाए, एक कारीगर बुला लिया बीकानेर से, रसगुल्ले बनाए और बनाए। फिर थोड़े दिन के बाद चांदी चौक में दुकान थी, हमें वहाँ बैठने का मौका मिला। पैकेजिंग की बात करें साहब, हम लूज में नमकीन देते थे, हमारे यहाँ सब तरह की नमकीन बनती थी, हमारे अंकल बहुत शौकीन थे, कारीगर थे खुद, और सब वैरायटी की नमकीन, भुजिया अपने हाथ से बनाते थे, जैसे ये हाथ से बनाते थे बीकानेर में, सब हाथ से बनाते थे, और नमकीन की सारी वैरायटी 30-40 तरह की नमकीन, और पीछे वो डाल के रखते थे बड़े बड़े उसमें, और कागज़ के लिफाफे में डाल के देते थे। तो उस टाइम कागज़ के लिफाफे चलते थे, एक एक आने की पुड़िया चलती थी, सुबह लाइन लगती थी 7 बजे, हम शटर खुलने से पहले लाइन लग जाती थी लोगों की, और शटर बंद करते थे तो लाइन हटा के बंद करते थे, ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो उस टाइम जब ये थैली आई पैकेजिंग की, पॉलीथीन थैली सबसे पहले, तब हमने थैली में पैक करके देना शुरू करा,
तो कस्टमर कहते थे हमें नहीं चाहिए थैली वाली पैकिंग, हमें तो लूज दो ताजी। मतलब कस्टमर पैक लेने नहीं चाहते थे उस टाइम, ताजी ताजी दो, ये बासी होगी इसके अंदर। तो कई साल ये चला काम, लोग परेशान थे। लेकिन आज रिवॉल्यूशन पैकेजिंग का, आज अगर किसी को लूज दे दे तो लेने को तैयार नहीं है। पता नहीं उसमें क्या भरा होगा, ब्रांडेड है अनब्रांडेड है, पैक से उसको कॉन्फिडेंस है भाई इसमें नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, सारी वैल्यूएशन लिखी है, फूड सेफ्टी एक्ट की जो भी क्रिएशन है उसमें लिखी हुई है। आज कोई लूज नहीं लेना चाहता। इससे एक इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। जैसे मिठाई है, सोन पापड़ी है, पहले रखते थे, हवा थोड़ी लग गई सील गई बेकार, उसको हम मल्टीपल कहीं भेज नहीं सकते थे। नमकीन भी मतलब बिकाने से जाती थी तो पेटियों में जाती थी तो एक लोग उठा के ले जाते थे, हम लोग सप्लाई नहीं करते थे। पैकेजिंग से इसको मल्टीपल पे डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, लोग ले पाए, लोग गिफ्टिंग कर पाए। और आज सोन पापड़ी जैसे पहले एक सब आपने दुकानदार भाई कितनी बनाते थे, आज सोन पापड़ी की पैकिंग करके सोन पापड़ी का कितना बड़ा मार्केट बना है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे मतलब ग्लोबलाइज हो गया पैकेजिंग से। नमकीन और मिठाई इंडस्ट्री नेशनलाइज ग्लोबलाइज और ब्रांडेड हो गई, जिसको अनऑर्गेनाइज आज भी लोग कहते हैं यार ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आज वर्ल्ड के अंदर मतलब पहले तो इंडियन स्टोर में माल था, आज जो वर्ल्ड के मेन स्ट्रीम जो जहाँ गोरे खाते हैं उनकी नेसेसरी हो गई इंडियन स्नैक्स इंडियन मिठाई रखना। पहले वो इंडियन स्नैक्स को अंदर ही नहीं घुसने दे रहे थे, वॉलमार्ट्स इंडिया की नहीं बाहर की, अमेरिका की वॉलमार्ट्स, कनाडा की वॉलमार्ट्स या न्यूजीलैंड जो भी डेवलप कंट्री है उनकी नेसेसरी हो गई, क्योंकि इंडियन सब जगह फैल गए। इंडियन कहीं भी गए तो उसको इंडियन फूड की रिक्वायरमेंट हुई, इंडियन फूड की रिक्वायरमेंट हुई, तो पैकेजिंग का ही कमाल है कि वो फूड उसको वहाँ मिल पाया, उससे सेल्फ लाइफ डेवलप हो पाई। जिसकी सेल्फ लाइफ पहले नमकीन 15 दिन में ख़राब हो जाती थी, खुशबू आ जाती थी, 15 दिन महीना भर की मैक्सिमम गारंटी, आज 6-6 महीना 1-1 साल की गारंटी दे रहे हैं, पैकेजिंग का कमाल है। सोन पापड़ी जिसकी लाइफ 6 महीने की लाइफ हो गई, पैकेजिंग का कमाल है। आज भी जो अपने देसी प्रोडक्ट है, चाहे नमकीन है, चाहे मिठाई है, चाहे खाना है, साउथ इंडियन है या नॉर्थ इंडियन है, बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने न्यूजीलैंड में आउटलेट खोला 15-20 साल हो गए, और जब आउटलेट खोला ओपनिंग करने गया तो जिस दिन ओपनिंग करी थी तो कस्टमर आए, वो कह रहे हैं मेरे ऊपर एहसान कर दिया आप लोगों ने ये दुकान खोल के, या हमारे यहाँ सब कुछ है साहब, लेकिन वो दिल्ली की चाट खाने का मन करता है, दिल्ली की बर्फ़ी खाने का मन करता है, वो नहीं है, क्योंकि पैकेजिंग थी नहीं, सेल्फ लाइफ थी नहीं। तो वहीं बना के खिलाते थे, हम यहाँ से कारीगर ट्रेन करके वहाँ भेजे और उनको खिलाया तो बड़े खुश हुए। तो अभी हम लोगों ने सोचा है यार ये हमारा फ़र्ज है कि इंडिया के लोग वर्ल्ड में जहाँ भी गए इनको इंडियन फूड मिले, क्वालिटी फूड मिले, ऑर्गेनाइज फूड मिले, मैकेनाइज मतलब सेफ फूड मिले, हमारा फ़र्ज है। ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये फ़र्ज है, ये आप सबका फ़र्ज है। बहुत बड़ा मार्केट है ये, अभी मार्केट कुछ भी नहीं क्रिएट हुआ है, अभी तो इंडिया में भी बहुत बड़ा मार्केट खाली पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा मार्केट है। इसके लिए जैसे बहुत काम करना बाकी है। अभी तो मैं इनको शिव किशन जी को धन्यवाद, इनका एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये नहीं कहा ये मार्केट भर गया, 10% मार्केट भी नहीं है, जबकि अभी नंबर 1 है, MNC भी आ गया, लेकिन अभी मार्केट बहुत बड़ा है। आप सब काम करोगे तो सबको मार्केट मिलेगा, इतना बड़ा मार्केट है। लोग अभी भी तरस रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट खाने के लिए, तरस रहे हैं अच्छा फूड खाने के लिए, तरस रहे हैं ब्रांडेड फूड खाने के लिए। चले आज भी हम जाते हैं, मतलब मिठाई मिलती है आप देख नहीं सकते। बाहर की कंट्रियों में, यूरोप कंट्री में आप लोग सब जाते होंगे, साउथ होल में जाओ चाहे अमेरिका में जाओ, मिठाई की शक्ल देख नहीं सकते, ऐसी मिठाई मिल रही। तो अपना फ़र्ज है उनको अच्छी क्वालिटी की मिठाई खिलाएं।
अच्छी चीज़ खिलाए जिससे मिठाई जैसे एक नेगेटिव फैल रहा है मिठाई खराब है मिठाई मिठाई की क्वालिटी लोगों को मिलेगी तो मिठाई पे विश्वास क्रिएट होगा विश्वास क्रिएट होगा तो मिठाई का मार्केट बढ़ेगा अपन क्या खिला रहे हैं लोगों को दूध काजू मतलब नेचुरल केसर पिस्ता बादाम सारे हलवाई और कुछ भी नहीं ले रहे हैं विदाउट प्रॉफिट काम करते हैं एक नॉर्मल मार्जिन में काम कर रहे हैं आज बाहर की कंपनियां देखिए चॉकलेट कन्फेक्शनरी में क्या है कन्फेक्शनरी में शुगर कलर फ्लेवर वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया पेप्सी कोक में क्या है वाटर कलर फ्लेवर वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया अपने पास तो बहुत कुछ है बहुत कुछ है तो इसके लिए बहुत काम करने की बाकी है एंटरप्रेन्योर जैसे अमित भाई विक्रम जी एंटरप्रेन्योर बन गया है पढ़े लिखे लोग आए हैं अपनी इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग हेरिटेज है सब तीन पीढ़ियों से आए हैं जैसे इनसे बात हुई भाई एक इंस्टीट्यूशन आज जैसे हमने यूएसए में दुकान खोली दुबई में हमारा लड़का है 10 आउटलेट चला रहा है वहाँ वीजा लग जाता है इसलिए खोल दी अब यूएसए में सिंगापुर में शिव किशन जी बात कर रहे थे कैसे खोली बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ चाहिए वीजा हमारे पास जो कारीगर है वो अनएजुकेटेड लोग हैं 5 क्लास पार्ट है उनको वीजा लग नहीं सकता उसके लिए इनसे बात ही मैंने आपको इंस्टीट्यूशन पे जाना पड़ेगा देखो तो मार्केट डेवलप करना है तो सारा काम पैकेजिंग मशीनरी टेक्नोलॉजी तो है ही है आपको नेशनल ग्लोबल पे जाना है तो एजुकेशन पीपल को यहाँ डालना पड़ेगा अपने पास जो कारीगर है वो बना सकते हैं मैनेज नहीं कर सकते उनको वीजा नहीं लग सकता जो ये मैनेज करने वाले लोग आते हैं बी टेक एम टेक एचएम वाले वो मैनेज कर सकते हैं लेकिन उनको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है तो बनाने वाले को मैनेज नहीं कर सकते तो बनाने वाले जो कारीगर है या तो उनको एजुकेट देवे या जो एजुकेट लड़के हैं उनको हलवाई बनाए या उनको हलवाई बनाए सही कहा सर आपने सही कहा अब अपने बच्चे भी आ रहे हैं मैं तो कहीं से बात कर रहा हूँ बच्चे भी आ रहे हैं अभी बात हुई हिसाब से आके कुर्सी पे बैठ जाते हैं कंप्यूटर ले जाते हैं और बहुत मुश्किल है क्योंकि जब तक आपको आपकी लाइन का प्रोडक्ट का नहीं नॉलेज होगा आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा आप तो खुद देखते होंगे सब कारीगर को मैनेज करना क्वालिटी को मैनेज करना नॉट ए इजी जॉब आपको अपने बच्चों को भी हलवाई बनाना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए पहले डॉक्टर की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना चीरफाड़ करना पड़ता है हलवाई बनाना पड़ेगा हलवाई खराब चीज़ थोड़ी है कोई कहता है हलवाई खराब चीज़ है तो अगले साल ऐसा प्रेजेंटेशन रखेंगे जिसमें आपको अगर मैनेजर आता है आपकी कंपनी में तो पहले क्या भैया हलवाई बन क्या नहीं नहीं तो वो टाइम पास कर रहा है साहब पैसा ले जा रहा है आपसे क्या तो मैं तो आज मतलब जो माहौल बना बहुत अच्छा है इतने मेहनत करा है इस लड़के ने दिस इज गुड और यही कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्कोप है बहुत बड़ा बिजनेस है ये नेशनल लेवल पे भी ग्लोबलाइज लेवल पे भी इस पर काम करना पड़ेगा इस पर एक इंस्टीट्यूशन खोल रही है कोर्स कारीगर लेवल के कोर्स डिप्लोमा लेवल के कोर्स प्रैक्टिकल थ्योरिकल प्रैक्टिकल इमरती का कारीगर चाट का कारीगर साउथ इंडियन का कारीगर नॉर्थ इंडियन का कारीगर कारीगर बनाए डिप्लोमा बनाए फिर पहले कारीगर कोर्स फिर डिप्लोमा कोर्स फिर डिग्री कोर्स अगर वो नीचे से डिग्री करते हुए आएगा तो नीचे के लोगों को भी मैनेज कर पाएगा और आपकी वर्ल्ड पे कब्जा करना हम तो ये सोचना इंडियन फूड को कब्जा वर्ल्ड पे करना है बहुत बड़ा मार्केट है बहुत बड़ा फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये शुरुआत है तो करिए और हम तो बहुत काम किया मनोहर लाल जी के साथ भी एक्साइज के लिए भी काम किया 3 बार एक्साइज भी हटवाई एक बार वो कलर बैंड हो गया था मिठाई पे आपको ध्यान होगा कलर बैंड हो गया साहब और मैं गया वो कमेटी के अंदर
इनकी जो टॉप की कमेटी होती है ना, यहाँ बैठती है हेल्थ मिनिस्टर में, हमारे गुप्ता जी बैठे हैं साथ में, वो गए थे हमारे साथ, और मैं नमकीन लेके गया और बैन कर दिया मिठाई पे कलर। मैंने जाते ही नमकीन वहाँ फेंकी, वहाँ सारे सेक्रेटरी आईएएस बैठे हुए थे। मैंने, आपने कलर कैसे बैन करा मिठाई में, क्या मिठाई में गलत कलर, कलर खराब है तो सबको बैन करो, आइसक्रीम पर भी बैन करो, कन्फेक्शनरी में बैन करो। उन्होंने कहा मिठाई वाले गलत कलर यूज़ करते हैं, मैं गलत करते हैं उनको पकड़ो आप, बैन कैसे कर सकते हो साहब, हिल गए वो। उन्होंने कलर वापस शुरू करा, उस टाइम मेरे को ध्यान है 100 PPM कलर शुरू करा, 100 PPM। हमारा ऐसे ही पॉल्यूशन का झगड़ा हुआ है दिल्ली में, अब बीच में आया था ना, सब बंद कर दिया, हर एक आदमी ETP लगाओ, चाय वाला भी, लस्सी वाला भी, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हलवाई। तो उन्होंने कहा बंद करने लगे दुकानें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आपको एक छोटी सी वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब सारे ब्यूरोक्रेट्स को भी कुछ पता नहीं है, अपने को भी कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा समझो आप ठीक कर लोगे। पॉल्यूशन एक्ट के अंदर हमारे जो सेक्रेटरी होता है दिल्ली का हेड, उनके साथ, उनके ऑफिसरों के साथ मीटिंग थी। उन्होंने कहा साहब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है साहब, हम ये थोड़ी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है था, हमने पूरी एक्ट की किताब पढ़ के गया। मैं एक्ट की किताब में था भाई 4 टन कन्फेक्शनरी के लिए ETP की जरूरत नहीं है, सेफ्टिक टैंक ग्रीस टैप सफिशेंट है। अब एक्ट तो सब बाहर के बने हुए हैं ना, संविधान भी बाहर का बना हुआ है, एक्ट भी बाहर के बने हुए हैं, एजुकेशन भी बाहर से आई हुई है, और कन्फेक्शनरी हलवाई कुछ समझा नहीं है। मैंने कहा देखो आपको एक्ट, आप सुप्रीम कोर्ट का अवलंबना थोड़ी कर रहे हो, तो एक्ट है, एक्ट के हिसाब से काम करो आप, 4 टन डेली के प्रोडक्शन के हिसाब से आपको ETP की जरूरत नहीं है, आपको ग्रीस टैप सफिशेंट है। मैंने उनको समझाया, समझा यार ठीक कह रहे हैं तो भाई। उन्होंने साहब उसी दिन ऑर्डर कर दिया 4 टन डेली की मिठाई और 100 रेस्टोरेंट की सिटिंग, और कोई ETP की रिक्वायरमेंट नहीं, जो बहुत बड़ा टेंटा था उसको ग्रीस टैप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आप काम करने वाला चाहिए साहब, आप डरोगे, ये तो डराएंगे क्या, ले जाएंगे अपने हाथ से तो काम करे थे, वहीं पहुंच जाएंगे ज्यादा और क्या करेंगे, वहां से तो नीचे नहीं ले जाएंगे है, डरने से थोड़ी काम चलेगा, कुछ तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। यार GST की बात ही तो करना पड़ेगा हिम्मत भाई, 5% करेगा तो कर देगा, कोशिश करेंगे तो पहुंचेंगे ना वहां क्या। तो यही सब आप लोगों से है, हिम्मत करिए, कर्म करिए, ऑर्गेनाइज करिए, और सब सपोर्ट करिए एक दूसरे को, और बहुत बड़ा बिजनेस है। थैंक यू सर। जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे, मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे लोग कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर कि भाई ये तो हल्दीराम है, ये तो बीकानेर वाला है, इन्होंने तो पहले ही पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, जगह नहीं है। एक दो लोग हमारे पास इस वक्त ऐसे हैं जो जैसे बिपिन भाई हैं, इन्होंने मुझे बताया था कि 98 में ये दो थैलों से 15-15 किलो के दो थैले लेके और ये नमकीन को बेचा करते थे, और आज 300 टन पर डे की प्रोडक्शन है। तो आपको क्या लगता है बिपिन भाई कि मार्केट कहाँ से आया फिर आपके लिए, और ये करिश्मा कैसे हुआ, आपने किस तरह से इस चीज को डेवलप किया? मार्केट में तो बहुत सारी जगह होती है, वैसा नहीं होता है कि बहुत लोग सेटअप हो गए तो अब मार्केट में जगह नहीं है। और हमने तो छोटे गांव से स्टार्ट किया था, 1 रुपया वाला पैकिंग से, और हमारा गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के छोटा सा 2000 की बस्ती वाला गांव था, उसमें से हमने स्टार्ट किया था। और 1.5 साल छोटे गांव में बेच के हमने राजकोट आने का सोचा, तो 4,200 रुपये लेके हम राजकोट में आए। और 90 में गृह उद्योग स्टार्ट किया छोटा सा, और मैं जब 11 साल का था तब से मुझे दूध का पेंडा बनाना आता था, और 13 साल का था तब से मुझे गाठिया सेव बनाना आता है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई कारीगर की वो प्रॉब्लम नहीं थी,
खुद ने स्टार्ट किया बिजनेस और पैकिंग भी खुद कर रहे थे और पूरा फैमिली के साथ ही बिजनेस करते थे, तो घर पे ही सब बनाते थे और घर पे ही पैकिंग करते थे और छोटे जो फेरिया होते हैं वो साइकिल पे और रिक्शा पे ले जाके दुकान दुकान पर बेचते थे। वैसे हमने स्टार्ट किया और 94 से ये गोपाल की ब्रांड स्टार्ट की। और पहले हमने 90 में जो स्टार्ट किया था वो कजिन ब्रदर के साथ किया था और 4 साल के बाद वो पूरे का पूरा सेटअप वो हमने कजिन ब्रदर्स को दे दिया। बाद में 94 से जीरो बैलेंस से स्टार्ट किया क्योंकि उसमें से हम अलग हुए तो सिर्फ रेसिडेंट का मकान आए, इतने पैसे आए थे, बाद में कुछ पैसे नहीं बचे थे तो उधार बेसन ऑयल मसाला सब उधार लाके हाथों से बना के स्टार्ट किया 94 से। और बाद में स्ट्रगल करके आगे चले और 4 साल तक उसमें से हम इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ी बड़ी जगह में गए और बड़ी जगह में सिटी के बाहर गए तो ऑक्ट्रॉय का प्रॉब्लम आया तो और खर्चा भी बढ़ने लगा। तो जैसा सोचा था कि हम मार्केट बढ़ाएंगे लेकिन वैसा हुआ नहीं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो हम वापस सिटी में आए और ये जो जगह बेच दिया और सिटी में जगह लिया तो 2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया और थोड़ा छापरा जैसा उसमें बांधकाम किया तो थोड़ा इसमें खर्च हुआ तो हमने 3-3.5 लाख का एक्स्ट्रा जगह मिला के 7 लाख का इन्वेस्ट किया। सब हमने ब्याज पे लोन पे वो लेके किया था और 2001 में हम रिटर्न आए थे और बाद में स्ट्रगल स्टार्ट किया 2001 से 6-7 तक उधर वही 400 यार्ड जगह में हमने थोड़ा डेवलप किया। तो बहुत स्ट्रगल हुआ 94 से 2006-7 तक। पैसों की वजह से एक्सपांसन नहीं कर पा रहे थे, मशीनरी भी बहुत इच्छाएं थी कि हम भी ऑटोमेटिक मशीन लेकिन पैसे नहीं थे तो हम नहीं ले पा रहे थे। तो 2006 में हमने पैकिंग का एक मशीन लिया 6 लाख का, ये अपने सौरभ फ्लैक्सीपैक का जो स्टॉल है उसमें से इसके पास से हमने लिया था और ये 6 लाख की लोन ली थी हमने 2006 में। और उसके लिए पहले हम पीपी की जो सिंपल बैग आती है इसमें पैकिंग करते थे, बाद में हमने लेमिनेट बैग के लिए सिलेंडर बनाना पड़ेगा तो उसका भी हमने को लोन लेना पड़ा, वो भी पैसे नहीं थे तो उसके लिए भी हमने लोन लिया। और बाद में थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा, मार्केट तो हमारे पास था ही लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुनाफा नहीं था और क्वालिटी के हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। हमने पिताजी से सीखा है कि हम जो खाएंगे वही कस्टमर को खिलाना चाहिए तो कभी रॉ मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो क्वालिटी की वजह से डिमांड तो आती रही लेकिन जगह छोटी पड़ रही थी तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में बैंक ने लोन दिया तो हमने ऑक्ट्रॉय हमारे गुजरात में से निकल गई तो हम वापस 2008 जगह में हमने ट्रांसफ़र किया फैक्ट्री। तो हमारा प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी तो डिमांड तो थी ही तो 5 गुना जगह मिली तो हमने प्रोडक्शन बढ़ाया। और हमारा तब भी इतना डिमांड था कि हमारी ट्रक जब जाती थी तब हमारा जो डीलर रहता था वो एक दूसरे का जो फोन हो जाता था कि गोपाल की गाड़ी आ रही है और जब उसके गोडाउन पे जाती थी तो वो माल गोडाउन में रखने की ज़रूरत नहीं रहती थी, उसको वो ट्रक में से ही सीधे का सीधा माल उसको बिक जाता था और आधे घंटे में गाड़ी पूरी हो जाती थी, बाद में उसको 1 वीक बैठना पड़ता था और कंट्रोल में माल हम देते थे।
वैसा हम डिमांड बहुत थी और 2010 में हमने मेटोड़ा जीआईडीसी है उसमें 20,000 मीटर जगह बांधकाम के 72,000 स्क्वायर फुट का बांधकाम था वो जगह हमने लिया और ये 2000 मीटर वाली जगह में भी हमने लोन लिया था इसमें 3 लोन चल रही थी शायद उसमें भी किसी को छोटा जो उद्योग है उसको भी प्रॉब्लम रहता है तो वैसा मैं मुझे भी बहुत प्रॉब्लम था एक्सपांड करने में पैसों का और तो 2010 में हमने इतना किया कि वो जो जगह थी वो 9 करोड़ की थी और 4 करोड़ की मशीनरी इसमें लगने वाले थी तो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट था 2010 में एक भी पैसे नहीं थे हमारे पास और उसका हमने लोन लिया और बैंक ने बोला कि ये लोन आप बैंक का ऑफिसर दूसरा था उसने बोला कि साहब ये नहीं भर पाएगा क्योंकि उसका जो जितना टर्नओवर है उतना तो उसका इंस्टॉलमेंट आ रहा है तो वो कैसे भरेगा पूरे का पूरा व्यापार वो लोन में देना पड़ेगा तो रॉ मटेरियल वाले को क्या देंगे वो कैसे कर पाएंगे तो वो एक बड़े साहब थे उसने हमको हमारा जो प्रीव्यू टर्नओवर था और उसके हिसाब से हमारा कभी चेक भी बाउंस नहीं हुआ था वो इसके हिसाब से उसने भी वो हमने लोन दिया तो 2007-08 में हमारा सिर्फ 2.25 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर था और हमने ये 20,000 मीटर जगह में हमने ट्रांसफ़र किया तब 5 साल में ये 12-13 में हमारा टर्नओवर हुआ 225 करोड़ का तो ये 5 साल में 100 टाइम बिजनेस बढ़ाया हमने और डिमांड तो भी तेज़ी से आगे चल रही थी तो 12-13 के बाद भी वो टर्नओवर बढ़ते गए और अभी हमारा जो ये साल का टर्नओवर रहेगा 750 करोड़ का और बात है ऑटोमेशन की तो ऑटोमेशन तो हमने जब गृह उद्योग से स्टार्ट किया तब ही हमने खुद ने ऑटोमेशन किया है सब प्रोसेस का मशीनरी है वो हमने R&D करके खुद ने ही बनाया है एक भी मशीन हमने बाहर से अभी नहीं लिया है अभी एक मशीन का ऑर्डर दिया है हीट एंड कंट्रोल के फेवरेट को लेकिन वो प्रोसेस में क्या है कि हम वो जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही ऑटोमेशन करते हैं क्योंकि जब मैनुअल प्रोडक्ट कोई भी बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी और मशीन की क्वालिटी में फ़र्क नहीं होना चाहिए तो मशीन की क्वालिटी हाथ से बनी हुई क्वालिटी से बेटर होनी चाहिए वैसा मशीन है तो उसको मशीन कहा जाता है नहीं तो मशीन नहीं कहा जाता उसको तो पूरे का पूरा हमने प्रोसेस में इतना ऑटोमेशन किया है कि बेसन की जो बैग है वो डाल देने के बाद किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है पूरे का पूरा ऑटोमेशन है और ऑपरेटर को सिर्फ मशीन को सेट करना पड़ता है अभी हम वो भी सोच रहे हैं कि ऑटो जो ऑपरेटर है ना उसका दिमाग भी मशीन को दे देने का है तो वन टच से जो गाठिया भुजिया का जो भी टच किया है वो प्रोडक्ट अपने आप बनने लगे वैसा मशीन का हम सोच रहे हैं वो R&D चल रहा है और प्रोसेस में से बाद में पैकिंग के बाद भी हमने ऑटोमेशन किया है स्टोरेज सिस्टम का वो जापान के कंपनी का हमने कोटेशन मंगवाया था तो 56 करोड़ का कोटेशन आया था और इतना पैसे तो हमारे पास होता नहीं है इसमें तो दूसरी फैक्ट्री बन जाती है तो हमने सोचा कि ये ऑटोमेशन तो करना ही है लेकिन पैसे नहीं है इतना तो ये हमने भी हाथों से बनाना स्टार्ट किया तो ये 6 करोड़ में बना लिया तो उसमें ऑटोमेशन इतना है कि ये जो पैकिंग वाली पैकिंग मशीन से लड़कियां जो बॉक्स भरती है वो बॉक्स कन्वेयर पे डालती है तो वो बॉक्स अपने आप अपनी जगह पे चला जाता है और कंप्यूटर में ऑर्डर डालने से एक साथ 4 गाड़ियां भराती है
तो ये चारों गाड़ियों का ऑर्डर एक साथ डालने से स्टोरेज में से माल निकलने के बाद सिंगल कन्वेयर में से चारों का ऑर्डर अलग हो जाता है और चारों गाड़ियों में अलग अलग ऑर्डर का बॉक्स अपने आप गाड़ी में चला जाता है और उसका बिल भी मशीन ही बनाता है। इतना ऑटोमेशन हमने किया है और 100% मेड इन हाउस है पूरे का पूरा सिस्टम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं एक नया ट्रेंड और निकल के आ रहा है इतने सालों में जो हमने ऑब्जर्व किया है कि एक क्रेज बन गया है साउथ इंडियन स्नैक्स का, साउथ इंडियन फूड का। सारे साउथ इंडियन यहाँ पे बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे, साथ में राजा साहब तो बहुत खुश हैं। मैं एक साल सर चेन्नई में रहा हूँ, 1999 तमिल तेरियम मशहूर मस्जिद है, थाउजेंड लाइक मॉस्क, वहाँ बड़ी मशहूर एक बहुत स्पॉट जगह है वो जगह। वहाँ पे इनका अपोजिट में एक इनका एक रेस्टोरेंट था, मैं देखता था रात को 10 11 12 बजे तक गाड़ियों की लाइनें लगती थी और लोग गाड़ी में बैठ के खाते थे, रेस्टोरेंट में जगह नहीं होती थी। इतना पॉपुलर अड्यार आनंद भवन वहाँ पे है। कैसे आपने साउथ इंडियन फूड को, उसकी खुशबू को बचा के रखा है, उसकी अरोमा को बचा के रखा है और इसका क्या मार्केट है? क्योंकि आज की तारीख में मेरे घर में कम से कम 3 दिन हम लोग इडली खाते हैं घर में, वी बाई फ्रॉम आउटसाइड और इडली घर में ला के खाते हैं, तो हम लोग तो भूखे हैं साउथ इंडियन फूड के लिए। और यहाँ से लेके दुबई तक और अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक साउथ इंडियन फूड अपनी खुशबू बिखेर रहा है। आपकी जर्नी कैसी रही है और आपको साउथ इंडियन का कितना फायदा हुआ है उसको स्प्रेड करने में, प्लीज बताइए। सबको नमस्कार। हमारा गुल्लों इधर सामने बैठा है, हम कुछ क्या बात करूँगा मालूम नहीं है। ये हमारा फादर मदर स्टार्ट किया, पहले मिठाई दुकान में हमारा जर्नी आया था। मिठाई दुकान में रहने में फैमिली का वैल्यू नहीं है, मेरा फादर का बहुत मन में दुख था। ये मिठाई दुकान चलाने में सोसाइटी में उतना फायदा नहीं है। हमारा जी बोला ना, 10 क्लास छोड़ के मिठाई लाइन में आके पात्र धोल के, पहले हमारा फादर मेरा भी कारखाना में लगा दिया। हम पहले 7 दिन में मिठाई नमकीन बनाने शुरू किया, बाद में 2000 तक हम मिठाई के लाइन में ऐसे धीरे स्लोली डेवलप किया। मेरे फादर का सेकंड ब्रांच थर्ड ब्रांच लगाने में बहुत मन नहीं है। हमारा विषय ना, मेरा साथ में मेरा भाई है, ये दुकान ये मिठाई का धंधा थोड़ा इंडस्ट्री लेवल में लेके जाना करके थोड़ा ऐसे ब्रांच डेवलप करके आया था। 2000 के बाद ये बिजनेस में स्वीट का कंसम्पशन सेल थोड़ा रिड्यूस हो गया, स्लोली साउथ इंडियन लाइन में फूड का ऐड किया, बहुत सक्सेस हो गया। हम पहले क्या किया, इडली डोसा में नहीं है, इडली डोसा के लिए हमारा गुरु लोगों बहुत था। हम पहले ट्रेडिशनल ये थोड़ा चेट्टीनाडु आइटम बोलता है उधर, वो डिशेस में आया, वो इडली डोसा छोड़ के वो दूसरा टाइप प्रोडक्ट का। हमारा विजन 6 ईयर कस्टमर का अंदर लेके आना करके, ये अभी 30 ईयर्स के बाद मिठाई खाने में कम हो रहा है करके वो हिसाब में प्लान किया, वो थोड़ा अच्छा सक्सेस हो गया। उसका साथ में ऐसे स्वीट नमकीन का भैया बोलाना, थोड़ा थोड़ा R&D करके नंबर ऑफ टर्नओवर का फोकस करके ब्रांच भी डेवलप करके, ये हमारा एक एक दफा भी मेरा मदर बोलेगा आपका विजन इंडस्ट्री में नहीं सोसाइटी में किधर भी वैल्यू आना चाहिए। एक स्टोरी बताएगा, ये पीनट देखने में पीनट के लिए एक रेट रहेगा, कोकोनट ड्राई कोकोनट के लिए 1 किलो का एक रेट रहेगा, रोज फ्लेवर भी देखने में सुंदर रहेगा एक रेट रहेगा, पीनट के बच्चा क्रश करने में पीनट ऑयल आएगा, पीनट के लिए मार्केट में 100 रुपया रहेगा, पीनट ऑयल का 180 रुपीस वैल्यू है, कोकोनट ड्राई कोकोनट भी एक रेट है, क्रश करने के बाद कोकोनट तेल का रेट ज़्यादा है, रोज फ्लर भी देखने में एक रेट है 250 रुपीज़, उसको अत्तर बनाने में वैल्यू ज़्यादा है। आप इतना क्रश होता है, थोड़ा अच्छा मेहनत कर लो, मार्केट में अच्छा स्टडी कर लो, अच्छा है। आज तक का भी हमारा भाई हम भी हमारा 13-14 ईयर्स में ये लाइन में आया, 55 क्रॉस कर रहा है, डेली मोर देन 18 आवर्स इंटरेस्टली काम कर रहा है। ये सब लोगों का यही है, भैया बोला ना
ये स्मॉल लाइन से इतना तक आया ना, ये लोग अभी ये हमारा साथ गुरु लोग है, सबका अंदर भी ये क्रस होने के बाद वैल्यू बढ़ जाता है। हम लोग भी ये आजकल इधर 2008 में एक अच्छा ये जगह में अभी एक इधर से चालू करेंगे, अच्छा मेहनत करके क्रस होके नेक्स्ट लेवल जाएगा। ये इडली डोसा है ना, ये अच्छा R&D करके नया थोड़ा सभी इडली बेच रहा है, हम लोगों थोड़ा उसका क्या डेवलप करना करके सोच के थोड़ा अभी साउथ इंडियन प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी लिए बाइल्ड प्रोडक्ट है, इडली आपम इडियापम ऐसे बहुत आइटम है, ये सभी हेल्थ प्रोडक्ट है। अभी नॉर्थ इंडियन फूड प्रोडक्ट भी बहुत है, मगर ये कौन सा एज वाला भी खा सकता है। आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड में साउथ इंडियन प्रोडक्ट का थोड़ा नाम अच्छा आ रहा है, सभी उसमें फोकस करने में आप लोग भी सभी नमकीन के साथ छोटा पासपोर्ट रेस्टोरेंट चालू करने में सभी कस्टमर का अंदर ले आ सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक सवाल मेरा, हमारे महाराष्ट्र में गुजरात में उस नमकीन की कैटेगरीज बहुत हैं, मतलब अगर आप जाएंगे गुजरात में तो एक पूरी दुकान है जो सिर्फ नमकीन बेचती है, उसके अलावा कुछ नहीं, फरसान की दुकान है, हर रोज आदमी जाता है अपने लिए फरसान लेके आता है, और या तो हफ्ते का लेके आता है तो महीने का लेके आता है। इस कंडीशन में एक कंपनी निकल के आई छेड़ा चिप्स, आज मतलब पिछले 2-3 साल से हम लोग टच में हैं छेड़ा साहब के साथ। आपने किस तरीके से, आपका जो बनाना चिप्स है, जो क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हैं इस टाइट मार्केट के अंदर, कैसे आपने उसको, आपका नंबर वन प्रोडक्ट जो है बनाना चिप्स है, अब तो आप मिठाई में भी आ गए हैं, बहुत आपकी जर्नी कैसी रही, और नए प्रोडक्ट को ऑटोमेशन के साथ बना के आपको क्या लगता है कि इस उद्योग जगत का कितना फायदा हो सकता है, आप ट्रेडिशन भी मेंटेन कर रहे हैं और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। नमस्ते, मैं बॉम्बे बेस्ड हूं और हमने स्टार्ट किया था बॉम्बे से ही। बॉम्बे में जब भी हमने छोटी फैक्ट्री जब भी लगाई थी तो हमको काफ़ी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत यानी कि भाई एक साल हो गया, जगह छोटी पड़ रही है और एक्सपांशन करने में हमको काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो बॉम्बे के अपने खुद के सब कायदे कानून हैं, तो वो कायदे कानून के हिसाब से हमको फैक्ट्री चलाने को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हम 2008 में हमारी फैक्ट्री को शिफ्ट करके बॉम्बे के बाहर लेके गए, और जब भी बाहर लेके गए तो हमारे पास जगह थी, स्पेस था, लैंड पावर सब कुछ था वहाँ पे, लेकिन हमारे पास विजन नहीं था। तो विजन कहाँ से आएगा, सबसे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि भाई आपको क्या करना है और क्या आपके पास कोई टारगेट है, कोई अच्छे कस्टमर्स या अच्छे बिजनेस वेंडर्स या एक अच्छे दोस्त के साथ हमने शेयर किया कि भाई इसका हमको सॉल्यूशन या इसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो हमको एक ऐसा सॉल्यूशन मिला 4-5 जन के साथ बात करने के बाद कि थोड़ा डिफ़िकल्ट अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें आप आपका एक ब्रांड सेट कर सकते हो, आपका एक रिकॉल वैल्यू सेट कर सकते हो, और वो थोड़ा इजी नहीं होना चाहिए। आज जब भी हमने बनाना चिप्स जब भी स्टार्ट किया था तो बनाना चिप्स एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो डिफ़िकल्ट है, इसका ऑटोमेशन नहीं है, और ऑटोमेशन नहीं होने की वजह से हर कोई आदमी इसके अंदर पेनिट्रेट करके एक्सपांड नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो हमारे लिए, हमने वो ढूंढा कि भाई ये हमारे लिए एक एडवांटेज पॉइंट है। हमने बनाना चिप्स को होलसेल मार्केटिंग किया, साथ में हमने हमारा खुद का ब्रांड भी स्टार्ट किया, यानी पैरेलल मार्केट स्टार्ट किया, और उससे हमारा कोई भी चीज़ जब भी वॉल्यूम में होता है तो उसका एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको एवरेज में आपको मुनाफा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। साथ में हमने मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग सपोर्ट के लिए थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स एड ऑन करते गए और साथ में हमने हमारा मार्केट बनाना स्टार्ट किया। हम लोग पहले खाली 100 किलोमीटर में ही मार्केटिंग करते थे, 100 किलोमीटर में मार्केटिंग करने में हमारा जो सेगमेंट्स था, मॉडर्न ट्रेड था, जनरल ट्रेड था, इंस्टीट्यूशंस था और एक्सपोर्ट्स मर्चेंट वेंडर्स थे। ये जो मर्चेंट वेंडर्स थे ये इन्होंने हमको काफ़ी हेल्प किया हमारा प्रोडक्ट विदेश पहुंचाने में। जब ये हमारा प्रोडक्ट जब भी विदेश गया, डेवलप कंट्रीज़ में गया, तो हमको वहाँ से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, हमको काफ़ी
अप्रिसिएशन मिला. आज हम लोग करीब 10-12 कंट्रीज में डायरेक्ट काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी हमारा जो बनाना चिप्स का जो शेयर है करीब करीब 35-40% हर कंटेनर में होता है. बनाना चिप्स हमारा एक भगवान के रूप में हमको उतरा. हमने उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया. हम लोग आज के तारीख में 400-500 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं और उसको आगे साउथ में एक यूनिट एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं और उसके साथ में जो बनाना चिप्स इंडियन प्रोडक्ट है उसको हम लोग उसको मेन स्ट्रीम मार्केट में भी लेके जाएंगे. हमने जो इंडस्ट्री से सीखा है ये 4-5 साल में, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करते करते आपको काफ़ी सारी सिस्टम समझ में आती है. आपको कैसे फैक्ट्री सिस्टम के साथ चलाना है वो आपको समझ में आ जाता है. तो ये इंडस्ट्री ने हमको लास्ट 4-5 साल में जो दिया है वो रियली एक ऐसा चीज़ है जो आप कितना भी कुछ भी करने को जाओ, एजुकेशन लेने को जाओ तो भी आपको नहीं मिलती है. लेकिन ये हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है. आज हमारे पास ऑडिट्स होते हैं, यूएस एफडीए वाले ऑडिट्स करते हैं या कोई भी कंपनी की जब भी ऑडिट्स होती है तो उसको हमने पॉजिटिवली लिया. पॉजिटिव लेने के बाद में एक अच्छा पॉजिटिव हमने ऐसा लिया कि कोई भी हमारी गलती है तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेते थे और उसको फास्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पे लेके उसको सॉर्ट आउट कर लेते थे. वो लेवल का काम करने के बाद में हमको हमारा ग्रोथ दिखने लगा, हमारे कस्टमर्स चेंज हो गए और हमको फ्यूचर दिखने लगा. और जो हमारा जो टारगेट है कि भाई हमको लोग बनाना चिप्स के नाम से पहचान है, वो धीरे धीरे हमको लग रहा है कि शायद हम लोग वो स्टेज पे जा रहे हैं. आज हम करीब करीब रोज 50 टन्स ऑफ रॉ बनाना प्रोसेस करते हैं और आने वाले समय में इसको ट्वाइस या थ्राइस उसको मल्टीप्लाई करेंगे. और हमारे पास जिस हिसाब से इंडियन फार्मर्स को जो हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको उनके पास से काफ़ी अच्छा एक आशीर्वाद मिलता है कि हम इंडियन फार्मर्स को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाके इनको भी हेल्प करते हैं. इतना कह के मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई जैसे जीएसटी ने इंडियन नमकीन इंडस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 5% और 12%, लेकिन आज का जो दिन है वो एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि नमकीन इंडस्ट्री डिवाइड नहीं हुई है. नमकीन इंडस्ट्री और स्ट्रांग होगी और परफेक्टली ऑर्गेनाइज होगी और उसको डट के हम लोग सब मिलके फाइट आउट करेंगे और आगे ग्रो होंगे. थैंक यू सर. एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा शिव रतन अग्रवाल जी से कि आप आज आप पेप्सिको को पीछे छोड़ चुके हैं. इंडिया की नंबर वन फूड प्रोसेसिंग कंपनी अगर कोई है तो वो हल्दीराम ब्रांड है. ये मैंने मतलब पढ़ा तो था कुछ दिन पहले, लेकिन अपने श्याम सुंदर जी ने उस दिन बोला तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वाकई में सही बात है कि अगर कोई नंबर वन फूड प्रोसेसिंग कंपनी है तो वो हल्दीराम है. तो सर बताइए आपकी जर्नी कैसी रही थोड़ा ब्रीफ में. साहब जर्नी तो इनके साथ ही है, भाई साहब के साथ ही है. इन्होंने हमें जो सिखाया वो हम सीखते आए और हमें दुकान बैठना, माल बेचना, पैकिंग करना जो करते रहे, इससे हमें धीरे धीरे ग्रोथ का रास्ता मिला, नई नई जगह मिली. नागपुर भी हम गए, नागपुर में खूब नया नया डेवलपमेंट किया. फिर दिल्ली गए, दिल्ली में डेवलपमेंट किया. बीकानेर में हमको भुजिया नमकीन बनाने का जो पहले से श्रेय था उसको भी पैकिंग करके डेवलप करके बेचने का श्रेय हमको मिला. तो अब धीरे धीरे ये जो मिठाई और नमकीन के नाम से लोग बदनाम करते हैं कि मिठाई खाने से शुगर है, ख़राब है, पेट के लिए हानिकारक है, ये सब भगवान का प्रसाद है. भगवान के पेड़ा लगता है, गणेश जी के लड्डू चढ़ते हैं तो उनको शुगर हुई क्या आज तक है. साउथ में आप गणेश जी के नमकीन बनती है, चढ़ती है, प्रसाद लगता है, भोग लगता है. हम जो नमकीन और मिठाई जितने भी हलवाई बैठे हैं ये हम भगवान के प्रसाद के रूप में बनाते हैं, ना कि हम उनको हाइजेनिक या उनको शुगर के रूप में बनाते हैं. आज पहली बार इतने इन्होंने की कृपा है कि इतने हम इकट्ठे हुए हैं और 100 बार इकट्ठे होने की हमने कोशिशें की हैं और 100 बार ही लड़े झगड़े हैं दिल्ली से और वापस गए हैं. आज पहली बार देख के आश्चर्य हो जाएगा इनका दिमाग कहाँ से काम किया. तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि इन्होंने पहली बार इन्होंने हमारे हलवाई को इकट्ठा कर लिया. ये बड़े आश्चर्य की बात है. जैसे ये क्या है कि ये भजिया का कैसे सीखा, क्या सीखा, ये भी हमारे
श्याम सुंदर जी की, शिव कृष्ण जी की, मनोहर लाल जी की, ये इनके माइंड की, दिमाग की बात है, इन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया, कैसे आप लोगों को एक दूसरे को सहयोग किया। इस सहयोग करने से एक दूसरे की इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ चलती है। ये कंचन मेटल है, ये हीट एंड कंट्रोल, ये फटफट फटफट कर रहे हैं, ये सब देन इनकी है, मनोहर लाल जी की, शिव कृष्ण जी की, श्याम सुंदर जी की, ये सब इनकी देन है। अब वैसे मैं आपको एक बता दूँ, हीट एंड कंट्रोल एक कहना नहीं चाहिए, हीट एंड कंट्रोल मैं 10 दिन ब्रिजबिन में इनकी फैक्ट्री में रहा, मैं 10 दिन, और वहाँ पे बेसन लेके गया 50 किलो खंदे में लगा के, और ले जाके वहाँ पे भुजिया डेवलप कराई, मूंग दाल डेवलप कराई। आज ये फटफट कर रहे हैं, ये किया वो किया, ऐसा फालतू बातें हैं। तो अगर आज हम इकट्ठे हो गए, आज पहली बार भुजिया इकट्ठे हो गए, तो ये हलवाई इकट्ठे हो गए, ये तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। वो क्यों इकट्ठे, मैं बार बार सोचता रहा ये इकट्ठे होने का कारण क्या है। तो इन्होंने नाम चेंज किया, फेडरेशन ऑफ स्वीट एंड नमकीन एंड मिठाई। पहले क्या था, ऑल इंडिया हलवाई भुजिया मैनुफैक्चरिंग, ऑल इंडिया मैनुफैक्चरिंग। तो हम देखे जाते, सबसे पहले लड़ाई होती है, तुम कितना रुपया दोगे। बैंकेट हॉल में या हमारे कोई धर्मशाला में हम लोग मीटिंग करते, तुम कितना रुपया दोगे। वो मीटिंग दोपहर घंटा दो घंटे में जयराम जी, कोई अपने दुकान से मिठाई भी नहीं लाता था, मिठाइयों की दुकान है, मिठाई के मैनुफैक्चर, कोई मिठाई भी नहीं लाता था। साहब ये आश्चर्य की बात है, आपको होगा नहीं होगा ये आप जानो, आपके काम जाने। 87, 88, 89 में 2 बार एक्साइज लगी भुजिया नमकीन पे, और दोनों बार मैं माफ़ करा के लाया अकेला बंदा। अब बीकानेर के हमारे पूरा ट्रक भर के, कोई भी दिल्ली का आदमी हमारे साथ नहीं था, ये बैठे हैं श्याम सुंदर जी और भी बैठे हैं, कोई है तो माइका लाल बोले, कोई भी साथ नहीं था। बीकानेर का अकेला ट्रक भरा के हमारे भुजिया माखन जी अग्रवाल और हमारे एसोसिएशन इनसे लड़ाई करके, उस समय था वो तिवड़ी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके पास वीपी सिंह था, तो हम दोनों से फाइटिंग करा के उस समय हमने 2 बार एक्साइज लगी हुई को माफ़ कराया। तो माफ़ कराने का तरीका, वो हमारे हलवाइयों का अलग तरीका होता है, जैसे उन्होंने कहा था कलर है फेंक दिया, इन्होंने कहा कैसे फेंक दिया आपने, तो हमने कहा कि वो नमकीन है, ये तो भुजिया है नमकीन है। मैंने कहा साहब ये देखो ये भुजिया है, खाने का है, इसमें टैक्स नहीं लगता है, आप टैक्स लगाते हो। तो उस समय हम 50-50 आदमी 20-20 आदमी बीकानेर से इकट्ठे होकर 2 बार एक्साइज माफ़ कराई। 2 बार ही हमने राजस्थान में जो वेट टैक्स लग गया था उसमें 12% 10% लगा, वो हमने डाउन कराया। तो ऐसे करके हम संघर्ष करते आए। अगर आज इन्होंने इकट्ठा किया है, मैं देखा यार कैसे इकट्ठे हो गए अपन। मेरे भाई ने कहा था कि यार वो दिल्ली एसोसिएशन की मीटिंग है, हलवे एसोसिएशन की, है ना। मैं कह यार हलवे आज तक तो इकट्ठे हो गए नहीं कभी, आज कैसे हो गए। अब समझ में आया क्या, अब सब मैन्युफैक्चरिंग है, उनका माइंड डेवलप हो गया, अब प्रोडक्शन डेवलप हो गया, इनका माइंड डेवलप हो गया कि अब पैसा खर्च करना ज़रूरी है। और इनकी बुद्धि का मैं हिम्मत करूँगा कि इन्होंने कोई भवन में नहीं रखा, इन्होंने होटल में रखा। होटल में रखने से देखो एक माइंड डेवलप हो जाता है। हम भी सूट वूट पहन के आते हैं, टाई वाई लगा के आते हैं, और लगा के आते हैं कि आज यार होटल में यार नीरोज होटल में। मैंने कहा यार होटल में जब तो अपने को थोड़ा ढंग से चलो यार, भाई नहीं तो अंगोछा रख के आ जाते क्या है। पहले तो आती पैसे कौन जमा कराएगा, तुम्हारे 5,000 तुम्हारे 10,000 50,000 ऐसे करके हम लड़ते रहते और शाम को चले जाते। तो खाना पीना किया हो गया तो ठीक है चले जाते। आज इन्होंने फेडरेशन नाम रखा, आपको मालूम होगा आप सब मेंबर होंगे, स्नैक फूड एसोसिएशन। ये कहाँ की कंपनी है अपने को किसी को भी मालूम नहीं है, कहाँ की बताओ भी कोई भाई है। यूएसए की है, अपन जानते हैं क्या, और उसको पैसा भेजते हैं हर साल, क्या SFA का बोर्ड लगेगा अपने, हम जानते कुछ नहीं है, उसको एसोसिएशन का पैसा भेजते हैं कि हम SFA के मेंबर हैं। तो मैं इनको भी कहूँगा ये FSM के भी मेंबर बनाओ आप, क्या ये हमारा ये हमारा मेडल टांगो आप अपने फैक्ट्री में, और उसके मेंबर फीस है 5,000, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया मेंबर फीस है। आप हमको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हम आपको हेल्प करेंगे, नई टेक्नोलॉजी आई है कि हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद भेजेंगे हमको वो किताब हमको मैगजीन भेजेंगे कि साहब ये नई टेक्नोलॉजी आई है, भुजिया नमकीन में सब इकट्ठे हो गए हम, अब नई टेक्नोलॉजी आई है और आप इस चीज़ में आप मशीन आई है ये डेवलप करो। तो स्नैक फूड वाला हमसे वहाँ कहाँ बैठा है, हमको जानते नहीं बांधते नहीं, हमसे पैसा ले रहा है। तो आप भी साहब पैसा लो हमसे और हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करके
हमको दो। अब आपने देखो, आपने सुना होगा गोपाल जी से, छेड़ा जी से, इनसे अडियार के यहाँ भी मैं गया हूँ, इनके मद्रास भी मैं गया हूँ, गोपाल के तो नहीं गया मैं, छेड़ा के भी गया हूँ मैं, और मैं किसी को नहीं छोड़ा हूँ, सब जगह गया हूँ। लखनऊ तो सब जगह जाके आया हूँ, लखनऊ तो सब जगह जाके हूँ, ये भी महजी भी आए हैं हमारे यहाँ भी, सबको अलाउ है। तो ये सीखने सिखाने की बात है। हलवाई एक ऐसा आइटम है, वो कभी छुपाता नहीं है। देखो, हलवाई एक ऐसा आइटम है, आपको ज्ञान होगा, वो कभी छुपाता नहीं, वो सिखाता है हरेक को कि पेड़ा ऐसा बनता है, बर्फ़ी ऐसे बनती है, लखनऊ की बर्फ़ी ऐसे बनती है, तेरा अगर दाल अच्छी नहीं बनी तो यार तू मेरे से पूछ ले, इसका टेम्परेचर डाउन है, इसको एक घंटे भिगो, इसको दो घंटे भिगो, इसको चार घंटे भिगो। हलवाई में एक ऐसी विशेषता है कि वो अपने प्रोडक्ट को किसी को बताने के लिए कभी कुछ छुपाता नहीं। बाकी सब आप मशीनरी में और में ले तो वो छुपा के रखता है, कैटलॉग नीचे रखता है, कैटलॉग नीचे रखता है, वो छुपाता ही बताते ही नहीं है कि हमारे मैनेजमेंट कैसे है, बताते नहीं है। हलवाई में एक ऐसी विशेषता है कि वो कभी छुपाता नहीं है, सबको बताता है। और हलवाई जो हम बनाते हैं वो प्रसाद के रूप में ही बनाते हैं, और प्रसाद के रूप में ही हम उनको बेचते हैं। तो आज हमारा इंडिया में और वर्ल्ड में ये जो मिठाई नमकीन का मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ व्यू है वो, हमारा एकदम माइंड साफ है, क्लियर है कि हम भगवान के रूप में प्रसाद बनाते हैं और भगवान के रूप में हम उसको देते हैं, बेचते हैं। इससे शुगर सागर कैंसर वैंसर कुछ नहीं होगा, हार्ट वार्ट कुछ नहीं होगा, सब फालतू बातें हैं। मैं तो कहता हूँ आराम से खाओ, खुला खाओ, बिंदास खाओ, कुछ नहीं होगा। हार्ट है तो ठीक हो जाएगा, कैंसर है तो ठीक हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर तो ठीक हो जाएगा। है तो नमकीन में नमक है, तो नमकीन में नमक है तो तेरे घर से क्या गया, हम तो खिला ही रहे तेरे को, तो ब्लड प्रेशर में नमक खाएगा, इसमें तेरे को खाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर भी कहता है साहब आप मिठाई खाओ, कोई मना नहीं है। कोई डॉक्टर अगर कहता है तो आप मेरे से मीटिंग करा दो कि साहब ये डॉक्टर कहता है मिठाई मत खाओ, मैं उससे बात करूँगा। अरे वो कहता है कि आपको एक पीस खाना, एक खाओ यार, 10 पीस खाने का थोड़ी बोला था मैंने। अब तुम भूखे मर रहे हो तो 10 पीस खा लोगे, स्वाद लगा तुमको, पेड़ा स्वाद लगा तो 10 पीस खा लिया अचानक, तो ये बात नहीं है। आप एक खाओ तो एक स्वाद है, प्रसाद के रूप में खाओ। प्रसाद कितना देते हैं अपन, कृष्ण भगवान का कितना देते हैं, इतना पेड़ा देते हैं। ऐसे आदमियों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे फैलावें, कैसे हम उसकी योग्यता प्राप्त करें। और इन ऐसे आज महाराथों को हमको सीखना चाहिए कि हलवाई को हम फैलाने में इन्होंने जितना योगदान दिया है, तो उन सबको मैं शुक्रगुजार हूँ। आप एक बार श्याम जी के नाम से आप तालियां बजावें और उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद देवें कि हमें हलवाई भी जैसे ऐसा लगता है कि सारा ये मैकडोनल्ड कहता है घर घर घुस गया, पिज्ज़ा हट घर घर घुस गया, डोमिनो घर घर घुस गया, अरे बीकानेरवाला घर घर घुस गया है, तुम सारा क्या घुसोगे। घर में खाना बंद कर दिया है, घर में खाना बंद कर दिया, घर में खाना शुरू कर दिया, घर में टिफिन जा रहा है इनके यहाँ से। तो ये हमें शिक्षा लेने देने की बात है, ये बात सीखो। देखो ये बात बताए क्या, ये सब मिलो सीखो। और ये आज हम कहते हैं, आज कहते हैं कि अंग्रेज मिर्ची नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, सब फालतू बकवास बातें हैं यार। 20 साल से स्टॉल हम लगा रहे हैं एग्जीबिशन फॉरेन में, ये दुबई में लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, तो प्रोडक्ट को चलन कर रहे हैं। चलन करते करते 10-20 साल तो हमको ही लगेगा यार, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, इतना जल्दी कोई खाने वाला नहीं है। गणेश जी का प्रसाद, लड्डू वड्डू, काली माई का, और साउथ का तिरुपति बालाजी का लड्डू कोई खा सकता है क्या इतना जल्दी? तिरुपति बालाजी का लड्डू वड्डू से इतना जल्दी थोड़ी मिलता है किसी को। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ आपको विशेष रूप से, कि आज हमें सबने आपने इकट्ठा किया और आपने बढ़िया होटल में किया। ऐसे ही अरेंज करो जब तो गुडविल बनेगी सर। आपने अगर धर्मशाला में किया तो जयराम जी। ये मीट और एक साल में अपना ये एग्जीबिशन और अपना ये सेमिनार रहेगा, साल में एक बार और ये रहेगा। मैं सबको मौका दूंगा बात करने का, मैं अपने स्पीकर्स का धन्यवाद करूंगा। और अब क्वेश्चन का टाइम नहीं है, मैं फिर भी कहूंगा कि अगर एक आखिरी क्वेश्चन अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक मेरे भाई हैं वो पूछना चाहते हैं, तो लास्ट बहुत शॉर्ट क्वेश्चन। मेरा नाम उमंग झुंझुनवाला है, मैं बनारस से हूँ, श्री अन्नपूर्णा के नाम से अपना वहाँ पर मिठाई का, नमकीन का और एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता हूँ। अपनी पढ़ाई अमेरिका से करके मैं वापस आया और वाकई में शुरुआत में मुझे भी वही अपने ऊपर बीती मेरे ऊपर कि मैं अमेरिका से पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, और जब मैं शुरुआत के 10 महीने अपनी मिठाई दुकान में बैठा
तो लोग मेरे से आके यही बोलते थे कि बेटा तुम्हारे पिताजी ने तो इतने पैसे खर्च करके तुम्हें अमेरिका पढ़ाया, तुम क्या यहाँ पर आके मिठाई बेचने आए हो? हलवाई बन गए हो तुम, मतलब क्यों नहीं कुछ तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ पे अपने में लगाते हो। लेकिन जब मैं इंडिया आ करके अपने जॉब देख रहा था, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट किया तो यूएस बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा था, तो मैं जब अपना पिताजी के साथ ऑफिस जाना चालू किया तो मुझे लगा कि ये ट्रेड एक ऐसी है कि जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए और अपनी मिठाइयों को हमें विदेशों में भी पहुंचानी चाहिए। तो श्याम सुंदर जी जो कहते हैं, सर मेरा भी वही एक मोटिव है कि आने वाले समय में इंडियन स्वीट्स को हमें बाहर लेके ज़रूर जाना है। तो मुझे वो बड़ा उस समय का समय अभी भी याद है कि लोग बोलते थे कि यार तुम पढ़ाई कर कर आए हो बाहर से और यहाँ पे तुम हलवाई का काम कर रहे हो। एक रिक्वेस्ट मेरी है सर कि जब मैं रूम में चारों तरफ नज़र घुमाया तो बहुत कम हम लोग के जनरेशन के लोग नज़र आए। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से सर और लोग रहें, क्योंकि वी आर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ द बिजनेसेस दैट दीज पीपल आर हैंडलिंग। तो जब हम लोग के बीच में नेटवर्किंग बेटर होगी तब हम जो इनका विजन है वो हम और आगे लेकर जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। किचन कंट्रोल अपने फेयर में, क्योंकि सब ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जब फेयर में जाते हैं तो लोग पहले से देखते हैं हल्दीराम वाले आगे, मतलब बीकानेर वाले आगे मशीनें जाएंगी हमारी, ये मतलब सब मशीनें बेचने के लिए उत्सुक रहते हैं और बुलाते हैं कि लो हमारा लो, ये देखो वो देखो ये देखो, इंडस्ट्रियल हो गई है, हलवाई नहीं। लेकिन बेस हलवाई का ही था और हलवाई से इंडस्ट्रियल बन सकता है, इंडस्ट्री से हलवाई नहीं बन सकता। थैंक यू सर। दोस्तों शिव किशन जी एक सेकंड आप रहिए। दोस्तों आज ये जो आप वर्ल्ड मिठाई और नमकीन कन्वेंशन का रूप देखा तो बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आई। आज इसमें जो शब्द वर्ल्ड लिखा हुआ है इसका ट्रू मीनिंग है, क्योंकि इंडिया में ये जो बताते हैं 25,000 करोड़ की मार्केट या 50,000 करोड़ की मार्केट, जो भी जो जिसके कारण सारे मल्टीनेशनल्स भी यहाँ आ रहे हैं और आ चुके हैं और हजारों करोड़ रुपए लगा चुके हैं, फिर भी ये बहुत गर्व की बात है कि आप ही के बीच के आप ही के मेंटर्स उनकी कंपनी इंडिया में नंबर वन हुई है और मल्टीनेशनल कंपनी को नंबर टू रहना पड़ा। इस अवसर पर हमारी एसोसिएशन एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग मशीनरी एसोसिएशन हल्दीराम ग्रुप को स्पेशली एक स्पेशल तरीके से ऑनर देना चाहती है। आप हमें हम हल्दीराम फैमिली को हम रिक्वेस्ट करेंगे सब ऊपर आवे, इतने बड़े अचीवमेंट उन्होंने आज इतना बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया कि मल्टीनेशनल की नंबर टू रहा। मैं अपने कॉलीग्स को बुलाऊंगा कि जरा हम उन्हें आइए। मेनन साहब आइए। निशांत, जैसे झुंझुनवाला ने कहा था अभी कि मैं अमेरिका पढ़ के आया था, वैसे एक लड़का मेरे पास जलंधर का लड़का, मैं मुंबई मुझे पूछने आया, वो भी मिठाई बनाता है, वो कह साहब मैं अमेरिका पढ़ के आया हूँ, मैं मिठाई का बिजनेस है, मैं क्या करूँ, मुझे शर्म आती है, मैं कह तू मिठाई बना। वो आज टनों में जलंधर में लक्की स्वीट के नाम से लाडू बनाता है, लवली है क्या, लवली स्वीट के नाम से, और टनों में लड्डू बनाता है, उसके कॉलेज भी है, है और कैसे बांध के देता है, कैसे पैकिंग करके देता है, टनों में देता है। इसलिए तू अमेरिका पढ़ के आया तू तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर यार। मैं इस मौके पर चार पंक्तियां दोहराऊंगा, न राजा रहा है न रानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी, न मेरी न तेरी जिंदगानी रहेगी, अगर कुछ बचा रहा तो यारो हमारी तुम्हारी कहानी रहेगी, हमारी तुम्हारी कहानी रहेगी। आज ये